अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज हम करेंगे एमसीएम 301 के लेसन नंबर 30 को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पीछे हम पढ़ रहे थे, पिछले लेसन में हमने देखा था कि प्रिपेयरिंग फॉर इफेक्टिव बिजनेस राइटिंग, इसकी टाइप्स को हम देख रहे थे, इसकी स्टेजेस को देख रहे थे। प्लानिंग स्टेज हमने पढ़ ली, आज हम पढ़ेंगे दूसरी स्टेज, ऑर्गेनाइजिंग स्टेज। सबसे ऑर्गेनाइजिंग स्टेज में सबसे पहली चीज़ आती है आउटलाइन द टॉपिक्स, मतलब ये कि मेन पॉइंट्स जो हैं वो लिखना, उनको अलहदा करना। सबसे पहले टॉपिक चूज़ करना, एक मेन टॉपिक, फिर इसको मज़ीद छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड करना ताकि हर एक टॉपिक पर डिटेल से लिखा जा सके, और फिर इन टॉपिक्स को, इन सब सब टॉपिक्स को एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना। ये हो गया आउटलाइन द टॉपिक्स। आगे सेवरल मेथड्स कैन बी यूज्ड इन डेवलपिंग टॉपिक्स। टॉपिक्स इसके अंदर दो मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट की एक एग्जांपल देता हूं, आपको समझ आ जाएगी। अगर किसी कंपनी ने एक गुड न्यूज़ अपने एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर करनी है, डायरेक्ट मेथड की बात करूं, वो पहले गुड न्यूज़ डिलीवर करेंगे, बता देंगे कि ये गुड न्यूज़ है, उसके बाद फिर उसकी रीज़न बताएंगे, उसकी वजह बाद में बताएंगे। लेकिन जब इनडायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट के अंदर क्या है कि जब कोई बैड न्यूज़ है, वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कोई कंपनी शेयर करना चाहती है, तो वो पहले उसको एक तमहीद बांधते हैं ना, पहले सारी वजह बताएंगे, कॉज बताएंगे सारा, फिर उसके बाद न्यूज़ जो है वो डिलीवर करेंगे। ये इनडायरेक्ट मेथड है। आगे है यहाँ से डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट ऑर्डर ऑफ द टॉपिक। तरतीब क्या है सब्जेक्ट टॉपिक्स की, सबसे पहले देखना कि इनकी तरतीब किस हिसाब से, कौन सी चीज़, कौन सा टॉपिक पहले आना है, सब टॉपिक कौन सा, सब टॉपिक बाद में आना है, फिर इनसे टॉपिक की आउटलाइन अखज की जाती है इनकी तरतीब से। इसके अंदर इतना ही है। आगे ये सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं इसके अंदर। ये लेसन 31 आपका। अच्छा, इसके अंदर ना एक मेन चीज़ मैं आपको बता दूँ जो कि जनरल इसके रिलेटेड है कि केयरफुल आउटलाइन हेल्प्स। आउटलाइन जो है केयर अच्छी तरीके से हम लिखेंगे तो इसकी हमें कि किस किस चीज़ के अंदर हमारी हेल्प करेगी, किस चीज़ के अंदर हमें मदद मिलेगी। पहले जी क्लैरिटी इन योर मैसेज, मैसेज के अंदर क्लैरिटी आ जाएगी, अगले बंदे को आपका मैसेज बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ जाएगा। दूसरा, अगर दोबारा लेटर लिखना पड़ जाता है किसी गलती की वजह से, तो पहले से लेटर इस तरह लिखा जाए कि चेंजिंग करते वक्त सिर्फ वही अल्फाज चेंज करने पड़े जो गलत हों, बाकी लेटर पर इसका असर ना पड़े। तीसरी चीज़, मैसेज एक अच्छे सीक्वेंस में नंबर वाइज और लाइन वाइज करके लिखें ताकि अगले बंदे को अच्छी तरीके से इसकी समझ आए। ये व्यूअर्स बिल्कुल शॉर्ट सा लेसन 30 था आपका। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आई किसी चीज़ की, आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और व्यूअर्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इन वीडियोस जो स्टडी के रिलेटेड वीडियोस होती हैं ना, उनको बनाने के लिए अच्छी खासी प्रिपरेशन करनी पड़ती है और अच्छी खासी मेहनत होती है। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे, मेरी इससे हौसला अफजाई होगी और मैं मज़ीद आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।